वेलकम टू माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू डू अन अदर लेटेस्ट स्पीकिंग पार्ट वन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द टॉपिक नेम इज स्टेइंग अप लेट कि लेट तक जागना सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन डू यू ऑफन स्टे अप लेट क्या आप देर तक जागते हो येस बींग नाइट बर्ड नाइट बर्ड का मतलब होता है जिसको पसंद है लेट तक जागना बींग अ नाइट बर्ड आई प्रेफर टू डू माई फेवरेट थिंग्स मैं अपनी जितनी भी फेवरेट चीज़ें करता हूँ वो सारी मुझे नाइट में करना पसंद है लाइक टॉकिंग विद फ्रेंड्स फ्रेंड्स से बातें करना वॉचिंग मूवीज मूवीज़ देखना एंड मैनी मोर सो आई ऑलवेज स्लीप आफ्टर वन ओ क्लॉक तो मैं हमेशा एक बजे के बाद ही सोता हूँ आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपको इसका अपोजिट जान है तो आप बोल देना येस एम अ टाइप एम एन अर्ली बर्ड सो आई प्रेफर टू डू माई हाउस होल्ड चोर्स एज एज वेल एज अदर वर्कस इन द मॉर्निंग टाइम सो आई आई प्रेफर टू स्लीप अर्लीयर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू स्लीप लेट वेन यू वर अड कि जब आप बच्चे थे तो आप आ, जल्दी सो जा लेट तक सो लेट तक लेट सोते थे नो नॉट एट ऑल नहीं बिल्कुल भी नहीं ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई आई हैड अ स्ट्रिक्ट रूटीन कि जब मैं बच्चा था उस टाइम मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी एज आई विविडली रिमेंबर मेरे को अच्छी तरीके से याद है ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि जब मैं छोटा था ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड रहने देना वो ऊपर आ गया आई यूज़ टू स्लीप अराउंड एट पी एम डेली तो मैं आठ बजे डेली सो जाता था सो नेक्स्ट इज वट डू यू डू वैन यू स्टे अप लेट आप इसका इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं अगर आप लेट तक जाते हो तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो आई डू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वैन आई स्टे अप लेट सम आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली फैमिली मेम्बर्स समटाइम्स आई प्रेफर टू वॉच मूवीज़ विद माई फ्रेंड्स सम टाइम्स आई डू माई असाइनमेंट सम आई डू माई ऑफिस वर्क सो एक्चुअली इट डिपेंड्स एक्चुअली ये डिपेंड करता है इफ़ आई हैव एग्जाम और असाइनमेंट्स अगर मेरे कोई एग्ज़ाम है मेरे कोट करनी है आई डू दैट मैं वो करता हूँ अदरवाइज आई वॉच मूवीज तो मैं वरना में मूवीज वॉच करना ज़्यादा पसंद करता हूँ सो द नेक्स्ट इज वट वट डज इट फील लाइक द नेक्स्ट मॉर्निंग इफ़ यू स्टे अप लेट कि अगर आप लेट तक जागते हो तो जब सुबह उठते हो तो उस टाइम आपको कैसा फ़ील होता है तो टू बी ऑनेस्ट फॉर द फर्स्ट टू आवर्स कि अगर मैं सच हूँ कि पहले दो घंटे जब मैं सुबह उठा उसके दो घंटे आई फील स्लीपी एज़ वेल एज लेज़ी कि मेरे को काफ़ी नींद आती है और मैं लेज़ी फील करता हूँ बट आफ्टर रीचिंग कॉलेज बट जब मैं कॉलेज चला जाता हूँ कॉलेज पहुँचने के बाद आई डोंट फील एनी थिंग रिगार्डिंग स्लिक तो फिर मेरे को याद ही नहीं होता कि हाँ मेरे को सोना भी है ओके okay. आप इसका आंसर इस तरीके से भी दे सकते हो कि आई डोंट फील एनी थिंग इन द मॉर्निंग टाइम बिकॉज आई हैव बिकम है बिचुअल ऑफ इट क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है सो द नेक्स्ट इज वट वर यू डूइंग वेन यू स्टेड अप लास्ट लेट लास्ट टाइम कि आप लास्ट टाइम क्या कर रहे थे जब आप लेट टूटे थे इट्स अबाउट लास्ट नाइट ये लास्ट नाइट की ही बात है आई वोश्ड वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ कि मैं अपना फेवरेट शोज़ में से एक शो देख रहा था द कपिल शर्मा ओके यहाँ पे वोश लिखा हुआ है यहाँ पर वोज लगा देना इट्स अबाउट लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ माई फेवरेट शो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो एज आई एज आई रिकॉल लास्ट टाइम वेन आई स्टेड अप लेट आई वॉज वर्किंग फॉर माई असाइनमेंट Or I was preparing for my exam. Okay. So that's the end of the video. Thank you so much for watching.